स्ट्रेंथ्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमिना को। साइंटिस्ट बेस्ड नेम है, इसलिए हम इसको हैमबर्गर्स फिनोमिना भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान में एक्सचेंज हो जाती है बिटवीन द बाइकार्बोनेट्स एंड द क्लोराइड आइंस, और ये प्रोसेस हमारे रेड ब्लड सेल्स में परफॉर्म हो रहा होता है तब जब हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को एक दफ़ा हम टिश्यू लेवल पर डिस्कस करेंगे और फिर हम इसको लंग्स की लेवल पर हम डिस्कस करेंगे। तो टिश्यूज में चूंकि सेल्स कंटिन्यूस बेसिस पर मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेल्स के पास बहुत हाई परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ तक जो ब्लड आ रहा होता है, इस ब्लड के पास ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा ब्लड इन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लेता है और यहाँ तक अपना ऑक्सीजन डिलीवर करवा देता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इंटर होता है तो ये डिफरेंट स्टाइल्स से ट्रांसपोर्ट होने की एबिलिटी रखता है। इसका बहुत कम परसेंटेज यानी कि 7% इसका प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है और फिर ये डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है। इसका ज़्यादातर परसेंटेज यानी कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स की सूरत में ट्रांसपोर्ट होता है और रिमेनिंग 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की सूरत में ट्रांसपोर्ट होता है। आज के इस टॉपिक में हम बाइकार्बोनेट्स की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इंटर हो जाता है तो चूंकि ब्लड में आरबीसीज मौजूद हैं तो ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए इसको ये मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस करके हमारे इस आरबीसीज के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मौजूद होता है सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन दोनों को कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, एक वीक एसिड है, ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है इनटू पॉजिटिव हाइड्रोजन आइंस और नेगेटिव बाइकार्बोनेट आइंस। तो यहाँ पे अब हम हाइड्रोजन आइंस को भी डिस्कस करेंगे और बाइकार्बोनेट आइंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर ये हाइड्रोजन इसी तरीके से बनता रहे और एक्युमुलेट होता रहे हमारे आरबीसीज के अंदर तो ये हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच यानी कि 7.4 पीएच ऑफ ब्लड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मतलब कि ब्लड का पीएच डिक्रीज हो सकता है, एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे इस आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में मौजूद रहता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये हाइड्रोजन इस हीमोग्लोबिन को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है जिसके रिजल्ट में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इस ऑक्सीजन के लिए कम होने लगती है। ऑक्सीजन का बॉन्ड और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और ये जो हीमोग्लोबिन है ये हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाकर बफर करवा देता है। तो हमारे पास बनता है हीमोग्लोबिनिक एसिड बाय द कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद दिस हाइड्रोजन आयन। तो हमारे पास हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया और इसने ब्लड के पीएच को बफर कर दिया है, मेंटेन कर दिया है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, अगेन क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है लिहाजा किसी चैनल प्रोटीन को नहीं यूज करेंगे बल्कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और हमारे टिश्यूज तक सप्लाई हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमने डिलीवर करवा दिया है टिश्यूज तक और उसका कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर आ चुका है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चूंकि ये बाइकार्बोनेट का पार्ट है इसलिए अब ये जो बाइकार्बोनेट है नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और इसको हम बाहर जाने के लिए एक चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये जो चैनल प्रोटीन मौजूद है हमारे इस आरबीसीज की मेम्ब्रेन में, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट निकल जाता है और वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में आ जाता है। ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद रहता है सोडियम। तो ये बाइकार्बोनेट जो कि ब्लड के प्लाज्मा में आया है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पे आरबीसी के साइटोप्लाज्म में चार्ज का मसला पड़ गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस कम पड़ गए हैं क्योंकि जो बाइकार्बोनेट है वो जब बाहर रिमूव हुआ है तो यहाँ पे चार्ज की कमी हो गई है, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है। इस चीज़ को बैलेंस किया हुआ है क्लोराइड आइंस ने।
क्लोराइड आयंस ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं, जैसे ही बाइकार्बोनेट इस कैरियर प्रोटीन को क्रॉस करके बाहर निकलता है तो उसके रिजल्ट में ये क्लोराइड आयन एंटर हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज्ड आयन यानी कि क्लोराइड आयन सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद पोटेशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है और हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन हो जाता है और हमारा ब्लड में मौजूद जो आरबीसी है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और हम ब्लड की पीएच को कैसे मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ऐसा इसको हम थ्योरी में भी देख लेते हैं। हमने कहा कि जब हमारे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उसके रिजल्ट में ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज मौजूद है जो कि कैटलाइज कर रहा होता है, कार्बोनिक एसिड को बना रहा होता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेते हैं जिसकी वजह से पीएच मेंटेन हो जाता है और जो आरबीसीज है इससे कंटिन्यूस बेसिस पर बाइकार्बोनेट्स डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में आ जाते हैं। इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनसाइड द आरबीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। ये हमारे आरबीसीज के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं तो इन चैनल्स प्रोटीन्स की वजह से आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसकी वजह से इनसाइड द आरबीसी एंड आउटसाइड द आरबीसीज चार्जेस मेंटेन रहते हैं। तो ये हमारे पास टिश्यू लेवल पर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से और क्लोराइड शिफ्ट परफॉर्म हो रहा होता है टिश्यू लेवल पर ताकि हमारे सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस को मेंटेन किया जा सके। अब हम इसको लंग्स की बेसिस पर हमने डिस्कस करते हैं। जब यही बाइकार्बोनेट्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स की सूरत में ट्रांसपोर्ट हो रहा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये आरबीसी या ये ब्लड जाता है हमारे लंग्स की तरफ, ये मैंने आपको एक एल्वोलाई शो करवाया हुआ है, तो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और हमारे इस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमने ज़्यादा है। तो यही बाइकार्बोनेट्स अब जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पार्ट थे, अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, सोडियम में डिसोसिएशन हो जाएगी और बाइकार्बोनेट्स में इसकी अगेन डिसोसिएशन हो जाएगी। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स है इन्हीं चैनल्स प्रोटीन्स के जरिए इंटर होगा हमारे आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। तो अब एक नेगेटिव चार्ज अंदर गया है तो एक नेगेटिव चार्ज को बाहर आना है, तो इस नेगेटिव चार्ज को हम कहाँ से बाहर निकालेंगे, ये यही क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे अगेन क्लोराइड शिफ्ट परफॉर्म हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड जो कि बना था अब ये दोबारा से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू पोटेशियम और क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे ताकि हम चार्जेस को बैलेंस कर सके। और ये जो बाइकार्बोनेट अंदर गया है तो हमने बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कहाँ से आया है, ये हमारे हीमोग्लोबिनिक एसिड से आया है, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये कन्वर्ट कर देगा इनटू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वोलाई के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डायरेक्ट नहीं गया है हमारे एल्वोलाई तक, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना था इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज होना चाहिए था। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ये प्लाज्मा में मौजूद नहीं है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं कन्वर्ट हो सकता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इस बाइकार्बोनेट को आना चाहिए था इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी जहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको कन्वर्ट कर देता इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे एल्वोलाई तक चला जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से पिक करते हैं और हम उसको लंग्स की तरफ लेकर जाते हैं ताकि लंग्स में ये एल्वोलाई में रिलीज हो सके और एक्सहेलेशन के थ्रू हम इसको बॉडी से बाहर एक्सहेल कर सके और ऑक्सीजन को हम पिक कर सके। तो ये था सारा
क्लोराइड शिफ्ट्स के बारे में, क्लोराइड आयंस मूव करते हैं इनसाइड द आरबीसीज, क्यों मूव करते हैं, ताकि जो बाइकार्बोनेट्स बाहर जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चैनल प्रोटीन्स, तो उनको हम बैलेंस कर सकें।